दोस्तों तो आज मैं बात करने वाला हूं अनकैप्ड इंडियन क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर के क्रिकेट जर्नी के बारे में। दोस्तों तो वेंकटेश अय्यर का जन्म 25 दिसंबर 1994 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। दोस्तों इनका पूरा नाम वेंकटेश राजशेखरन अय्यर है। इन्हें प्यार से सब वेंकी नाम से जानते हैं। इनका निक नेम भी वेंकी ही है। और वेंकटेश अय्यर के पिता का नाम राजशेखरन अय्यर है और इनके माता श्री का नाम उषा है। वेंकटेश अय्यर का फेवरेट क्रिकेटर सौरभ गांगुली और एलेस्टर कुक है, जो एलेस्टर कुक इंग्लैंड के हैं। दोस्तों वेंकटेश अय्यर अपनी क्रिकेट करियर के शुरुआत में टीम में बैटिंग और विकेट कीपर के रोल में था, फिर वह बॉलिंग की और आज वह टीम में बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। वेंकटेश अय्यर लेफ्ट बल्लेबाजी करते हैं तथा बॉलिंग राइट हैंड मीडियम पेसर हैं। दोस्तों तो अब बात करते हैं वेंकटेश अय्यर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर के बारे में। दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यूट मैच 6 दिसंबर 2018 को हैदराबाद के खिलाफ खेला। दोस्तों इस मैच में वेंकटेश अय्यर को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और इसी मैच में उन्होंने 2 ओवर किए और 2 ओवर में 16 रन दे करके 1 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने अब तक के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 10 मैचों के 15 इनिंग में 345 रन बनाए हैं और हाईएस्ट स्कोर 93 रन रहा और इसी दौरान इनका बैटिंग एवरेज 36.33 और स्ट्राइक रेट 54.33 का रहा। दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने 10 मैचों के 16 इनिंग में 786 बॉल किए हैं और 340 रन दिए हैं और 7 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों तो आप बात करते हैं वेंकटेश अय्यर का लिस्ट ए क्रिकेट करियर के बारे में। वेंकटेश अय्यर ने लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पहला मैच सौराष्ट्र के खिलाफ 11 दिसंबर 2015 को राजकोट में खेला। इस मैच में उसका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ मात्र 16 रन बनाए और 15 गेंदों का सामना किया और आउट होकर के पवेलियन लौट गए और उन्हें इस मैच में 1 भी ओवर करने का मौका नहीं मिला। दोस्तों वेंकटेश अय्यर लिस्ट ए क्रिकेट के 24 मैच के 22 इनिंग में 4 बार नॉट आउट रहते हुए 849 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोर 198 रन रहा और इसी दौरान इनका बैटिंग एवरेज 47.16 का रहा और स्ट्राइक रेट 98.72 का रहा। दोस्तों अब बात करते हैं वेंकटेश अय्यर के T20 क्रिकेट करियर के बारे में। वेंकटेश अय्यर ने अपना पहला T20 मैच रेलवे के खिलाफ 25 मार्च 2015 को इंदौर में खेला। इस मैच में वेंकटेश अय्यर को बॉलिंग करने का मौका मिला और 3 ओवर में 21 रन देकर के 1 विकेट लिया और इस मैच में उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। वेंकटेश अय्यर ने अब तक के T20 क्रिकेट करियर में 53 मैच के 47 इनिंग में 1249 रन बनाए हैं और इसी दौरान इनका हाईएस्ट स्कोर 88 रहा है और बैटिंग एवरेज 39.03 और स्ट्राइक रेट इसी दौरान 135.01 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। वेंकटेश अय्यर ने T20 के 53 मैचों के 38 इनिंग में बॉलिंग किए हैं और इसी दौरान उन्होंने 29 विकेट भी हासिल किए हैं और टोटल 606 बॉल किए हैं और 697 रन दिए हैं। दोस्तों तो आप बात करते हैं वेंकटेश अय्यर के IPL करियर के बारे में। दोस्तों वेंकटेश अय्यर चर्चा में तब आए जब इन्हें KKR के टीम ने 2021 के ऑक्शन में इसके बेस प्राइस पे अपने टीम में शामिल कर लिया। वेंकटेश अय्यर को IPL में 7 मैचों के बाद 8वां मैच में मौका मिला और KKR का यहाँ से किस्मत ही बदल गया। KKR यहाँ से मैच जीतना स्टार्ट किया तो कंटिन्यू 6 मैच जीते और वो फाइनल तक के भी गए। बैड लक फाइनल वो हार गए चेन्नई से। इसमें वेंकटेश अय्यर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। ओपनिंग करने तो बहुत ही अच्छे बैटिंग कर रहे थे ये ओपनिंग करते हुए। दोस्तों तो आप बात करते हैं इसके बैटिंग करियर के बारे में। IPL में इसका कैसा प्रदर्शन रहा इसके बारे में आप बता रहा हूँ। IPL के 8वां मैच में KKR की तरफ से 8वां मैच खेलने उतरे वेंकटेश अय्यर। बेंगलोर के खिलाफ यह मैच खेला हुआ था 20 नवंबर 2021 को इसे टीम में शामिल किया गया। इस मैच में उन्होंने मात्र 27 बॉल का सामना करते हुए 41 रन बना डाले जिसमें 7 चौके और 1 छक्के थे और इसी दौरान इनका स्ट्राइक रेट 151 का रहा। यह मैच KKR आसानी से जीत ली क्योंकि यह मैच में सिर्फ बेंगलोर वालों ने सिर्फ 92 रन का टारगेट दिया था और इसे KKR वालों ने 94 रन बना दिए 10 ओवर में ही और इसमें सबसे बड़े योगदान रहा
वेंकटेश अय्यर का, जिन्होंने 27 गेंदों में 41 रन बनाए थे। दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने अब तक के आईपीएल करियर के 10 मैच के 10 इनिंग में 370 रन बनाए हैं और 288 बॉलों का सामना करते हुए, और इसी दौरान इनका बैटिंग एवरेज 41 का रहा और स्ट्राइक रेट 128.47 का रहा, और इसी दौरान इनका हाईएस्ट स्कोर 68 रन बनाए हैं जो इसी साल के आईपीएल में आए थे। दोस्तों अब बात करते हैं वेंकटेश अय्यर के बॉलिंग के बारे में। दोस्तों इन्होंने 10 मैचों के दोस्तों आईपीएल में वेंकटेश अय्यर ने 10 मैच के 4 इनिंग में 51 बॉल डाले हैं और 69 रन दिए हैं। इसी दौरान उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों तो अब एक न्यूज़ और आ चुकी है इनका, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा था तभी ये न्यूज़ आई है, वेंकटेश अय्यर को टीम इंडिया में जगह मिल चुकी है टी ट्वेंटी टीम में 16 सदस्यों में। इनका भी नाम ऐलान कर दिया गया है क्योंकि 17 नवंबर से बाइलेटरल सीरीज न्यूजीलैंड आ रही है, इंडिया की न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में बाइलेटरल सीरीज खेली जाएगी और इसी सीरीज में इन्हें मौका दिया गया। इस सीरीज में T20 3 मैच है और 3 टेस्ट मैच है, तो T20 टीम में शामिल कर लिया गया है वेंकटेश अय्यर का, जो 17 नवंबर से स्टार्ट होगा जो न्यूजीलैंड इंडिया दौरा करेगी। दोस्तों तो बता दें आपको यह मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वेंकटेश अय्यर के लिए। अगर इस मैच में वेंकटेश अय्यर को मौका मिलता है तो वह निश्चित ही बहुत ही अच्छे प्रदर्शन करेंगे, लेकिन क्योंकि वह अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और आईपीएल के दौरान वो दिखा भी कितने अच्छे फॉलो में बैटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों अगर बैटिंग का मौका मिला तो वह बहुत ही अच्छे बैटिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे ओपनर, ये तो आपने देखा ही केकेआर के लिए 8 विनिंग प्लेयर, एक तरह से बहुत ही अच्छे विनर प्लेयर हैं। दोस्तों तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर दोस्तों इसमें कुछ भी गलती लग रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्लेयर का अगर हिस्ट्री चाहिए या कुछ भी मतलब बायो उसके ऊपर चाहिए तो मैं आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको बनाऊँगा, उस पर वीडियो बना करके आपको रखूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों धन्यवाद।